अभिषेक के साथ काम भी कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है शालीन भनौत ने क्या कहा है अभिषेक को लेकर, और अभिषेक के सपोर्ट में जब वो पहुंचे हैं तो किस तरीके से वो कहते हुए तारीफ करते हुए, क्या वो अभिषेक अनप्रोफेशनल है, सेट पर बहुत लेट पहुंचता है, इन सारी चीजों को लेकर जब चर्चाएं हुई हैं तो क्या कहा है अभिषेक ने, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो शालीन ने क्या कहा है, तो दिबांग थे, दिबांग ने सेट से सवाल जवाब किए, जो आरोप बाहर लग रहे हैं उन सारे आरोपों पर बात की, तो उन आरोपों को क्लैरिफाई करने के लिए जो है यहाँ पर जो है ना सिर्फ शालीन भी जो है अभिषेक का साथ देते नजर आए। तो ये इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि सेट पर हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है शालीन से जब पूछा गया और कहा गया तो शालीन ने कहा कि मुझे लगता है कि इस शो में अभिषेक एक बहुत ही टफ टाइम से निकला है, मैं उसे जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा शख्स है, वो बहुत ही अच्छा किड है और उसने घर के अंदर बहुत सारी चीजों को सफर किया है और उसकी जो है मॉकिंग तक हुई है कैमरे के ऊपर जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ऑनेस्ट होते हैं और आप अपने टफ टाइम से निकल पाते हैं, ओवरकम कर पाते हैं, तो ये एक विनर की क्वालिटी होती है और आप विनर होते हैं। तो यहाँ उनका कहना है कि ये सारी चीजें अभिषेक के साथ हुई, पर अभिषेक ने जिस तरीके से इन चीजों को ओवरकम किया है उससे एक बात तो तय है कि अभिषेक जो है विनर की तरह सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बातें कही हैं और जो कहा है उन बातों से आप कितना जो है एग्री करते हैं कि क्या वाकई में एक बहुत टफ टाइम से निकला, जो मेंटल हेल्थ पर बात की गई, जिस तरीके से उसकी मॉकरी हुई, मॉकिंग हुई, क्या आपको लगता है कि ये बातें जो हैं सही हुई हैं, और जो शालीन जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि वो सही है? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।